हाँ नहीं माना अपने गुरुदेव को लाला जाओ मोबाइल वाले भैया भैया जाओ आराम से बनो नमस्कार। हमने एक तो कुल देवता चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद हमारे गांव जो पुरखों का गांव है चटालिया वहाँ हमारे झुंझार जी देव भगवान है कुल देवता उनका मंदिर बन रहा है एक तो। दूसरा मेरे परिवार में दो बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया और एक हमारे काका जी हरिराम जी डूडी और बच्चे अपने नाम रामनारायण जी डूडी के दोनों बड़े भाई ताऊ भाई के ताऊ जी मेरे ताऊ जी तो इसलिए उनके अभी आना हुआ कोरोना के कारण आ नहीं पाए। फिर उपचुनाव थे हमारे यहाँ 28 और इसलिए उसमें व्यस्त थे तो अब आना मिला आने का मौका मिला। फिर मेरी बिटिया का बेटा हुआ तो उसका मुंडन कराने भी आए उनके गाँव नागौर के पास है। रामदेव जी बाबा के दर्शन करेंगे तन्नोट वाली माता जी के दर्शन करेंगे और अपने परिवार से मिलकर अपने लोगों से मिलकर वापस आएंगे। यानी धार्मिक यात्रा कह सकते हैं धार्मिक यात्रा भी है पारिवारिक यात्रा भी है। उसके बाद बात करेंगे जिस तरह से पूरे देश में बहस छिड़ चुकी है मध्य प्रदेश में पहला कानून बनाने की जो बात की लव जिहाद की हमने आज देखिए आज गोपाष्टमी है और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एक अलग से कैबिनेट बनाई है उसके लिए गौ कैबिनेट और उसकी आज पहली बैठक थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने दिल्ली से ही उसको अटेंड किया कि मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध का भी शिवराज जी के नेतृत्व में हमने ही मध्य प्रदेश में सबसे पहले कानून बनाया। फिर गौ माता की रक्षा के लिए जब मैं राजस्व मंत्री था तो उस समय हमने हर ग्राम पंचायत में 5 से 10 एकड़ जमीन गौशाला के लिए निःशुल्क आरक्षित करने का काम किया और अभी 2,000-2,500 गौशालाएं का हमने स्वीकृति दी है 4,000 गौशालाएं इस साल बनेगी तो हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने का हमारा संकल्प है। हमने गौ अभ्यारण्य भी बनाया है गौ माता की रक्षा और जो रोड पे सड़कों पर जो घूमती है एक्सीडेंट होते हैं उससे तनाव भी बनता है बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ दर्पण आम आदमी का भी दिक्कत है गौ माता को इसलिए गौशाला में उनकी सेवा हो जन भागीदारी से जनता के सहयोग से हम उसको और अच्छी तरह से गौ का पालन करें ताकि हमको गोबर खाद और गौमूत्र से दवाइयाँ और जिसके कारण ये जो पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा हो रहा है उसको हमको कम करना है और उसके लिए गौ माता का जितना सुरक्षित और संवर्धन करेंगे उससे दूध भी मिलेगा गोबर भी मिलेगा गौमूत्र भी मिलेगा उससे हमारी खेती वापस जैविक होगी नहीं तो जहरीली हो गई हमारी मिट्टी उसको प्राप्त करने में गौ माता ही हमारी सुरक्षा और कर सकते। देखिए अभी कोरोना के कारण कितनी स्थिति खराब है और इसलिए हमको वापस हमारी पुरानी पद्धति पर हमारी संस्कृति पर आना पड़ेगा क्योंकि पहले गाय के बगैर गौवंश के बगैर खेती करना असंभव था लेकिन मशीनरी युग में मशीनरी का उपयोग भी करेंगे लेकिन ये पेस्टिसाइड का उपयोग जितना कम होगा और जैविक की ओर जाना होगा उसके लिए हमने गौ माता के संवर्धन संरक्षण और उसकी सुरक्षा और पालने की व्यवस्था का आज पहली कैबिनेट थी और एक बहुत अच्छा निर्णय गोपाष्टमी पर पुण्य कार्य मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। लव जिहाद के खिलाफ भी हमने कड़क कानून बनाया ताकि इस प्रकार ये षड्यंत्र करके लव जिहाद करके संप्रदायता फैलाना चाहते हैं तनाव होता है एक धर्म के दूसरे धर्म को बिल्कुल प्रलोभन देकर और उसके बाद में तनाव बनता है सांप्रदायिक दंगे होते हैं समाज में फूट पड़ती है और इसलिए हमारा देश हम एक रहे सब हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का कहाँ सवाल लेकिन फिर भी जिस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद छेड़ा जा रहा है उसके खिलाफ भी हम सख्त कानून बना रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि आपने लव जिहाद का नाम दिया बाकी जो भारतीय संविधान है नहीं। देखिए अब ये कांग्रेस तो हमेशा ही तुष्टिकरण की नीति अपनाई और कांग्रेस की गत क्या हो गई ये देख लो इसी के कारण 70 साल में खत्म हो गई है और इसलिए अभी भी इनको समझ में नहीं आएगा तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
हमारा कहना है कि हिंदू हो या मुसलमान हो ईसाई हो, हम सब भारत माँ के लाल हैं, लेकिन धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाना, गलत तरीके से इस प्रकार व्यवस्था करना, देखिए समाज में देखते हैं ना, भ्रष्टाचार में रोज तो आता है कि किस प्रकार प्रलोभन देकर शादी की जाती है, बाद में किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, फिर तीन तलाक बोलो और तलाक हो जाता है। इसलिए हमने तीन तलाक पर भी प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया, रोक लगाई है, वो भी महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया था तुष्टिकरण बोर्ड की राजनीति के कारण, लेकर प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है उसके अनुसार चल रहा है, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ जय जयकार हो रही, कमल खिल रहा है और कमल का फूल खुशहाली समृद्धि और विकास का प्रतीक है, और इसीलिए देश तरक्की कर रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है, और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी आजादी के 73 साल बाद सबसे बड़ा निर्णय लिया 24 अप्रैल 2020 को, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये आजादी के बाद 73 साल की सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना है गांव के लिए। अब गांव के विकास के द्वार खोले, गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। जैसे ये बिल्डिंग है, ये 1 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, शहर में तो इसकी वैल्यू है, अगर गाँव में ये 100 करोड़ की बिल्डिंग होती ग्राम पंचायत में, इस पर 1 रुपये का न तो जमानत हो सकती, न लोन ले सकते हैं, न लिमिट मिल सकती है, न व्यवसाय, न व्यापार, न उद्योग। इसलिए शहर मुट्ठी भर बढ़ते गए, गांव बिछड़ते गए। अब स्वामित्व योजना से अब गांव की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 100 करोड़ का लोन लेकर कोई भी इंडस्ट्री डाल सकता है, तो 40% सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा। गांव का किसान अपने मकान को गारंटी में रख के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और ये डाल सकेगा। इसलिए किसान अब खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा और निर्यात करेगा। इससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे। और बिचौलिए जो कमाते थे, हमारा प्याज और टमाटर 2 रुपये 4 रुपये किलो बिकता किसान का, और वही व्यापारी ग्रेडिंग करके 80 रुपये जो में बेच रहा है। अब किसान खुद ही, स्वामित्व योजना आने के बाद जब उस पर खुद के फूड प्रोसेसिंग प्लांट डल जाएंगे, वेयर हाउस होगा, कोल्ड स्टोर, तो जब समय अच्छे भाव आएगा तब बेचेगा, अब मजबूर नहीं होगा उन्हें पौने भाव पे बेचने के लिए। और इसलिए आजादी के 73 साल बाद गांव को आजादी दिलाई है मोदी जी ने, इसलिए हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। अब गांव के विकास के द्वार खुले, अब तेजी से गांव भी आत्मनिर्भर बनेंगे। सर ये बताया क्या, यहाँ के लोग हिंदुस्तान नहीं कहते, इंडिया कहते, बाहर के लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, बाहर का यहाँ का मुसलमान बाहर जाता है पाकिस्तान या अरब देश तो ये कहता है कि हिंदुस्तान से आयो, हिंदुस्तान है ये हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, गलती से इसकी परिभाषा गलत कर दी गई, उसको सुधार। हिंदू एक प्रवाह है, एक जीने का तरीका है ना, और इसलिए बहुत संकुचित सोच ये राजनीति तुष्टिकरण की, मुस्लिम वोट बैंक प्राप्त करने के चक्कर में कांग्रेस ने ये नाम दिया है, लेकिन हम इससे ऊपर उठकर काम करते हैं। हमारे लिए पूरे भारत माता हमारी माँ है, इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति, इसमें रहने वाला व्यक्ति है, नागरिक हम सबका, मुसलमान और हिंदू के खून को अलग अलग है, ऊपर से सब एक आते हैं, यहाँ होने के बाद ही अलग अलग होते हैं, लेकिन सोच इस माटी के प्रति होना चाहिए। तो खा यहाँ की बजाय पाकिस्तान की, ऐसे लोग इस देश में, चाहे हिंदू भी है तो कोई काम का नहीं, जो इस देश के प्रति वफादार है वो हमारा भाई है, और अगर वो इस देश के प्रति वफादार नहीं है, हमारा सगा भाई भी है, तो हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, यानी कि हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, देखो ये हिंदू राष्ट्र भी है। राम राज्य की स्थापना, मेरे से एक पत्रकार ने पूछा राम राज्य की स्थापना कब होगी, मैंने कहा राम राज्य की स्थापना तो हो चुकी है, जब से मोदी जी ने शपथ ली है उस दिन से राम राज्य की स्थापना हो गई है। राम राज्य में क्या था, सबका साथ सबका विकास सबके साथ न्याय, वही मोदी जी कर रहे हैं। 55 साल में कांग्रेस ने एक शौचालय नहीं बनाया, हमारी माता बहना लोटा लेके जाती थी, हमारे माथे पर कलंक था, वो मोदी जी ने दूर किया। एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया 55 में गरीब को किसी, मोदी जी ने 9 करोड़ गैस टंकी चूल्हा देकर हमारी माता बहने चूल्हा फूक फूक के जो आंखें खराब करती ठीक हुआ। तीसरा, एक पक्का मकान के बताया बनाया हो बताओ गरीब को, इंदिरा आवास आती थी कुटी झोपड़ी वो भी 2-3। 3 करोड़ से अधिक मकान बना दिए सबको, 2024 से सबको मकान, रोटी कपड़ा और मकान, हर घर जल या जल मिशन में, हर घर नल जल, शहरों में क्यों, आजादी के बाद 55 साल तक 80% लोग जो गांव में रहते हैं वहां बजट का 20% खर्च होता था, और जो 20% रहते हैं वहां 80% होता था, इसलिए शहर विकसित हो गए लेकिन गांव पिछड़ते गए। अब असली में गांव की सरकार आई है, गांव की, गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। गांव, आज गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश के, तो गांव के देश का विकास हो रहा है। अब स्वामित्व योजना आई है, पहले क्यों नहीं आई, जो काम मोदी जी ने अभी किया, अटल जी ने किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, पहले गांव में 1 किलोमीटर सड़क थी क्या, तो बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ तो अभी हुआ, तो 6 साल में हो सकता तो 55 साल तक क्यों नहीं हुआ। और इसलिए 55 साल तक देश पिछड़ा कांग्रेस के राज,
वो भ्रष्टाचार की जननी भी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत। बिना मास्क के फोटो लो, लो फोटो सर, एक बिना मास्क फोटो, बिना मास्क के भाई हो आपके, हमको बहुत अच्छा लगता है सर, एक बिना मास्क फोटो लेना, बहुत अच्छा लगता है हमको। थैंक यू सर, हनी 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 फोटो मिनट।